नमस्कार मु संगीता आपन को स्वागत करछि स्वास्थ्य भित्तिक एक कार्यक्रम को। दर्शक बंधु आज ही मे 8 तारीख जहाँ को कि आम विश्व रेडक्रॉस दिवस भाव पालन करूँ। तेरे रेडक्रॉस कथा आसिले स्वाभाविक भाग मन को रक्तदान कथा आसे तेरे आम रेडक्रॉस दिवस जरिया रक्तदान विभिन्न दिग विषय आलोचना करवा। यह विषय आलोचना करने को आम सहित अच्छा सम हस्पिटाल प्रोफेसर तथा डॉक्टर गिरिजा नंदिनी कानुनगो आसतु तांको सहित सीधा सड़क कथा जीवा। मैडम नमस्कार आपण को आम कार्यक्रम को स्वागत। प्रत्येक वर्ष मे 8 तारीख 1948 रु रेडक्रॉस वर्ल्ड रेडक्रॉस डे को सेलिब्रेट कराटा अदर ग्लोबल हेल्थ कैंपेन टाइप सेंट्रल वर्ल्ड रेडक्रॉस मेम्बर्स वॉलंटियर्स मैंने केवल ब्लड डोनेसन करते नहीं कि ब्लड डोनेसन कैंप ऑर्गेनाइज करते व्यतीत से मैंने बहुत गुड़ा निडी लोक जो मैंने नेचुरल कैलामिटीज अफेक्ट होता जो मैंने निडी फॉर क्लोथेस फूड्स से मर बहुत गुड़ा एक्टिविटीज से इनवॉल्व था तेणु ये डे को आम सेलिब्रेट कर सहित सपोर्ट करने सहित ठियापी आ फिल करापे से कंट्रीब्यूशन बहुत जथेष इम्पोर्टेंट सोसाइटी तेणु आम समस्त यही दिन टाक सेलिब्रेट करा उचित एंड केवल यही दिन टा नुह सब दिन टाक जब आम एक दिन भाव भाव आम सराउंडिंग आम वॉलंटरी आम हेल्प को एक्सटेंड करवा आम निजर किसी जोटा आम गैप रोचे जीक आम रिक्वायरमेंट जीक आम अवेलेबिलिटी जमीक ब्लड डोनेसन से ही गैप को किसी मात्रा आम कमी पारा। मैडम साधारणत तो यो रक्तदान गुरुत्व उपकारिता कौन रही? रक्तदान गुरुत्व यहाँ रही एक्चुअली आम साइंस जिते डेवलप कले भी एपर्त वर्ल्ड कौन से लैबोरेटरी ब्लड मैन्युफैक्चर हो पारना तेणु ब्लड ओनली सोर्स है जन ह्यूमन बॉडी तार उपकारिता रोचे निश्चिंत भाव जथेष उपकारिता रोचे कहीं ब्लडटा आम ब्लड गुड़ा सेल रही जमीक आम रेड सेल व्हाइट सेल प्लेटलेट्स प्लाज्मा तो विभिन्न प्रकार कंडीशन अच्छी इंडिकेशन अच्छे कौ कंडीशन रेड सेल दरकार कौ कंडीशन प्लेटलेट्स दरकार कौ कंडीशन प्लाज्मा दरकार कौ कंडीशन स्टेम सेल दरकार रिक्वायरमेंट होकर जहाँ जो कंडीशन जहाँ दरकार से कंपोनेंटा तक आम ट्रांसफ्यूज कर कहीं जेहेतु यार अल्टरनेटिव एपर्त सब्स्टिट्यूट ना तेणु जड़े फिट वॉलंटरी ब्लड डोनर सो मोटो वॉलंटरली आसी रेगुलरली रिपीट मझे मझे ब्लड डोनेसन करा उचित यार डेफिनेटली यार उपकारिता बहुत रोचे पेसेंट को जो मैंने डोनेट कर बहुत सरप्राइजिंगली उपकारिता रोचे यहाँ जे से एक्चुअली रेगुलरली ब्लड डोनेट करने द्वारा गोटे आयरन मेटाबॉलिज्मटा मेंटेन होकर रोचे जहाद्वर कि कार्डियो प्रोटेक्टिव देन तर गोटे मेनली हेल्थ चेकअप हो जाए देन तर कि गोटे इनफेक्शन टेस्ट लाइक हेपाटाइटिस बी सी एच आई वी मलेरिया सिफिलिस ब्लड ग्रुपिंग किसी गोटे टेस्ट माइनर टेस्ट हो जाए ता सहित से गोटे गोटे नोबल सैटिस्फैक्शन मिलूँ ब्लडटा से अन्य कहार जमीक एवं कंपोनेंट प्रिपरेशन हो जड़े ब्लड डोनेट कले चारिटा कंपोनेंट तैयार हो रेड सेल प्लाज्मा प्लेटलेट क्रायोप्रेसिपिटेट तेणु जड़े ब्लड डोनेट कले चारजण लाइफ सेव कर सहित प्लाज्मा आम विभिन्न प्रकार मेडिसिन तैयार करमती कि इंट्राभेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स आल्बुमिन्स क्लॉटिंग फैक्टर्स जमीक कि कंडीशन ब्लड इंजुरी होगा ब्लडटा जमाटा बांधे तेनालीराम सिचुएसन क्लॉटिंग फैक्टर्स दरकार पड़े से प्लाज्मा हम तैयार हुए तेणु ब्लड डोनेसन निहाती पेसेंट एंड डोनर दुजन बहुत उपकृता रोचे। मैडम सब गोटे बड़ कथा हूँ आम तो ब्लड डोनेसन विषय कथा किंतु ब्लड केपर मैंने यहाँ साधारण लोक मन में मैंने प्रश्न भी आसूब कारण ब्लड केपर से किसी ओजन के दरकार कि बयसर व्यक्ति मैंने ब्लड मैं सपोज गोटे छोट पाटे भाव कि मु ब्लड देवी मानते सपोज ता मन में आसूब सेमती कौ ब्लड ग्रुप मैंने कौ एज लेवल पिला माने ब्लड दे पारे आम एक्चुअली थ्रू आउट इंडिया ब्लड सेंटर आगर जो ब्लड बैंक कहते सेटा भी रिसेंटली ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट गाइडलाइन सेक्शन 2B रे रिसेंटली ब्लड बैंकटा भी चेंज है ब्लड सेंटर हो इंडिया थ्रू आउट इंडिया ऑल ब्लड सेंटर्स आर कंट्रोल्ड बाय गाइडलाइंस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट तेणु जेकोसी ब्लड सेंटर रे ब्लड डोनर रिक्रुटमेंट
रजिस्ट्रेशन, स्क्रीनिंग, एग्जामिनेशन, ब्लड कलेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसफ्यूजन टू द पेशेंट, दैट इज फ्रॉम वेन टू वेन। ब्लड कलेक्शन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, वेन टू वेन ऑल गाइडलाइंस इज एज फॉर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट गाइडलाइन। तेणु ये गाइडलाइन हिसाब से जड़े 18 to 65 इयर्स एज हो जदि रिपीट डोनेसन प्रीवियसली ब्लड डोनेट करेंगे तो अपर लिमिट 65, लोअर लिमिट 18 इयर्स। 18 इयर्स एथपाइव से जो वैलिड कंसेंट दे पारे जदि फर्स्ट टाइम ब्लड डोनर्स होते हैं 60 इयर्स अपर एज। तेणु 18 to 60 or 65 इयर्स बॉडी वेट मिनिमम 45 के जी हो जदि 350 ml ब्लड से डोनेट करेंगे। जदि बॉडी वेट 55 के जी अधिक होता है 450 ml दे पारे। जदि तर ब्लड प्रेशर नॉर्मली आम 140 to 100 अपर रेंज, 60 to 90 मिलीमीटर मकुरी लोअर रेंज, आउ जदि ब्लड प्रेशर किसी कॉम्प्लिकेशन न थिबो लास्ट 28 डेज भितर से नुआ ड्रग्स किसी नहीं नए ब्लड प्रेशर पर कि डोज किसी एडजस्ट कर नथिबे, तांकर टेम्परेचर नथिबो, से फिजिकली फिट थिबे, मेंटली अलर्ट थिबे, गुड कंडीशन थिबे, कौनसी सिस्टमिक इलनेस नथिबो लाइक कार्डियक इलनेस, रेनल इलनेस, किंबा तांकर फीवर नथिबो, किंबा से कौनसी वैक्सीन नहीं नथिबे, जेमती कि लाइव वैक्सीन जदि नहीं थिबे ताले 28 दिन पर्यंत दे पारिबेनि। जदि किल इनआक्टिवेटेड वैक्सीन नहीं थे 14 दिन पर्यंत दे पारिबेनि। जदि कोविड वैक्सीन नहीं थे एनी डोज नहीं थे 14 दिन पर्यंत दे पारिबेनि। जदि कोविड अफेक्ट होते कि कोविड अफेक्टेड लोक को एक्सपोज होते 28 दिन पर्यंत दे पारिबेनि। जदि से कौन से एंटीबायोटिक खाइथे 14 दिन पर्यंत दे पारिबेनि। जमीक आम एनिमल बाइट रोच एनिमल बाइट में राबिस वैक्सीनेशन नहीं थे 1 ईयर पर्यंत दे पारिबेनि। आमती बहुत गुड़ा कंडीशन अच्छी। सपोज जो मैंने साधारणतः किसी लोक मैंने ड्रिंक करती जो मैंने सपोज आज तक ब्लड दबार अच्छी आने आज मॉर्निंग ना भी सपोज आम पूर्व दिन से नाइट्रेट ड्रिंक करें कौन ब्लड दे पारे एक्चुअली अल्कोहलिज्म मैंने डेफर हूँ जदि से नॉर्मल मेंटली अलर्ट थे वैलिड कंसेंट दे पारे से पारे। मैडम एमती भी देखा जाए यहाँ तो आम पुओ मैंने तो आप जो केसेस कहले साधारणतः एमती हुए झीओ मैंने सब केसेस ब्लड दे पारती। आ गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट हेमोग्लोबिन 12.5 ग्राम पर डीएल किंबा ताठ अधिक होता दरकार पुआ और झील उभय केस पुह मैंने ब्लड दे थे 3 months पर से आउथर दे पारे। झील मैंने ब्लड दे थे 4 months पर से आउथर दे पारे। आ झील मानते प्रेगनेंसी लैक्टेशन अच्छी प्रेगनेंसी थे 1 year दे पारे लैक्टेशन थे थ्रू आउट पीरियड से लैक्टेटिंग पीरियडा दे पारे। पुह मर से विभिन्न प्रकार जहाँ मुझे जनरल कंडीशन कहली सहित जो किसी सर्जरी होती है मेजर सर्जरी होती है 1 year पर्यंत दे पारेनि। आम मेजर सर्जरी क्या कहे जदि से हस्पिटाल एडमिशन हो सर्जरी पर एनेस्थेसिया लगे कि सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस होती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है से 1 year पर देपारे। जदि माइनर सर्जरी हो 6 months से दे पारे। मैडम जदि सपोज पीरियड हमारे केते दिन पर झील मैंने ड्यूरींग पीरियड ड्यूरींग दैट पीरियड दे कैन नॉट डोनेट अदरवाइज दे कैन डोनेट आफ्टर दैट पीरियड दे कैन डोनेट। मैडम साधारणतः आम तो ये कथा जो मैंने ब्लड दे पारे आम ये जानवा जो मैंने ब्लड दे पारे ना मानने सपोज को रोग जहाँ को रोग होते लोक मैंने ब्लड दे पारे। जदि जड़े कार्डियक इलनेस जेकोसी प्रकार हार्ट डिजीज अच्छा किंवा मैलिग्नेंसी किंवा ऑटोइम्यून डिजऑर्डर्स लाइक एंकाइलोजिंग स्पंडलाइटिस स्क्लेरोडोमा एसएलई केमोथेरापी नौते आजमान थी तेल से लाइफ लंग दे पारे कि हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी जदि थी से लाइफ लंग दे पारे HIV लाइफ लंग दे पारे कि जो मैंने सस्पेक्टेड सस्पिशियस हाई रिस्क कैटेगरी जमीक मल्टीपल सेक्स पार्टनर कि IV ड्रग अब्यूजर से लाइफ लंग दे पारे। सब मैडम आजिकल गोटे कमन रोग हूँ डायबेटिस डायबेटिस जदि रोचे तेल जे लोक ब्लड दे पार डायबेटिस जदि कंट्रोल अच्छी डाएट्रे ओराल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स तेल से दे पारे। जदि तर डायबिटर किसी कॉम्प्लिकेशन हो जाए जमीक रेनाल अफेक्ट हो किडनी अफेक्ट हो आई अफेक्ट होनी भास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस किंबा नुआ ड्रग किसी लास्ट 28 days किसी आड हो कि ड्रग्र डोज किसी मॉडिफाई से दे पारे डायबेटिक जब इंसुलिन नईपारे परमानेंटली डेफर। मैम साधारणतः स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ट्रांसफ्यूजन माने गुरुत्व केते आ से ट्रांसफ्यूजन जोटा सेडा कोण आगुरु हमर थिला ब्लड बैंक काच बॉटल ले ब्लड कलेक्शन होतला धीरे धीरे से चेंज हे कि प्लास्टिक बॉटल ले ब्लड कलेक्शन होला धीरे धीरे पीवीसी बैग रे ब्लड आछी
जो आमर ड्रग्स कस्मेटिक गाइडलाइन और एनबीटीसी रा गाइडलाइन जो ब्लड सेंटर एवं न्यू टर्म अच्छे ब्लड सेंटर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट जो ब्लड सेंटर रे आनुआल ब्लड कलेक्शन 10,000 रु अधिक अच्छे और सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट फैकल्टीज एज पर एनएमसी गाइडलाइन अच्छे से ब्लड सेंटर एवं अपग्रेड होकर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन आमर डोनर रिक्रुटमेंट डोनर कलेक्शन ब्लड स्टोरेज मैन्युफैक्चर इश्यू ठू आरंभ करके आमर कंपोनेंट सेपरेशन आगुरु थिला होल ब्लड डोनर जन डोनेट करथला सेटा ट्रांसफर होतला एबे किंतु होल ब्लड टा एबे ऑब्सोलेट हे गेलानी कंपोनेंट जने डोनेट करले से चारटा कंपोनेंट रे सेपरेट होची कंपोनेंट ट्रांसफ्यूजन एबे ब्लड डोनेशन टा आइदर आमे होल ब्लड डोनेशन किबा करूचो किबा एफरेसिस टेक्निक रे करूचो एफरेसिस माने आमे गोटे पर्टिकुलर सेल ब्लड डोनर थारो नोचू रेस्ट ब्लड पेशेंट को रिटर्न कर जाउची एफरेसिस करूचो आउ गोटे जिनस आमर थेरापेटिक डोनर एफरेसिस करा होची किबा थेरापोटिक एफरेसिस थेरापोटिक एफरेसिस जोठी आम पेसेंट रिच्छी गोटे आबनर्माल एलिमेंट को ब्लड्रु काढ़ चाहूँ ताको रिप्लेस करछु नॉर्मल एलिमेंट नॉर्मल सेल रे जमीक मोस्ट कमनली आम करा जाउछि प्लाज्मा एफरेसिस रेड सेल एफरेसिस स्टेम सेल एफरेसिस ग्रानुलोसाइट एफरेसिस ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन रोल एवं डोनर ठू आरंभ कर एफरेसिस सेल थेरापी रिसेंट एडवांसेस इन एफरेसिस लाइक फोटोफोरेसिस स्टेम सेल एफरेसिस देन आमर कैस्केड फिल्ट्रेसन रोचे आहुरी टिके एडवांस टेक्नोलॉजी एफरेसिस रो एंड देन आमर सेल थेरापी डेंड्राइटिक सेल थेरापी इम्यूनोथेरापी इम्यूनोफोरेसिस ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ग्रेजुअली इमर्ज होकर ब्लड बैंक ठार आरंभ कर नाउ इट हैज रीच्ड टू पेशेंट बेड साइड सो ट्रांसफ्यूज दिस इज रिलेटिवली न्यू सब्जेक्ट एंड इमर्जिंग ब्रांच इंडिया रे बहुत कम कॉलेज मेडिकल इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट अच्छे एवरेज 25 मेडिकल कॉलेज रे सीट अच्छे अप्रोक्सीमेटली 50 पीजी स्टूडेंट्स पर ईयर पास आउट कर सम्रे केमती माने ए जो ट्रांसफ्यूजन को नहीं कि माने केते फैसिलिटीज अच्छी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन सम्रे 2014 नु एमडी सीट इन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन कॉलेज ऑलरेडी अच्छे 4-5 बैच ऑलरेडी पास कर पास आउट हो सारे तो ये आमर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन रे केते रिसेंट एडवांसेस स्टेट ऑफ दैट टेक्निक जमीक ब्लड जने डोनेट करले तार टेस्टिंग टेक्नोलॉजी मॉलिक्युलर आईडीनाट आईडीनाट टेस्टिंग टेक्नोलॉजी द सेफेस्ट टेक्नोलॉजी देन सब रिसेंट एडवांसेस लाइक आमर फिनोटाइप मैच्ड एंटीबॉडी स्क्रीनिंग एंटीबॉडी आइडेंटिफिकेशन जो जो ट्रांसप्लांट पेसेंट कि न्यूबॉर्न पेसेंट गामा रेडिएशन स्पेशली मॉडिफाइड ब्लड दि जाए तेणु ब्लड डोनेशन भी कैंप इनहाउस कैंप रेगुलर बेसिस रे हो तेणु ओवरऑल सम हॉस्पिटल पेसेंट अलग हॉस्पिटल भुवनेश्वर कि अलग हॉस्पिटल ओडिशा रो प्रोवाइड कर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैडम सब गोटे बड़ कन्फ्यूजन थाए कि जड़े रोगी सपोज ए ब्लड ग्रुप र ब्लड दरकार सपोज किंतु सेटा अवेलेबल नहीं से टाइम रे जने पेशेंट कौन कर देखो आमर एक्चुअली आम जानचु ब्लड ग्रुप केते प्रकार ए ग्रुप बी ग्रुप ए बी ग्रुप ओ ग्रुप आउ रेयर फिनोटाइप भितर बॉम्बे फिनोटाइप एतिक ब्लड ग्रुप आम जानचु तेणु आम एतिक जानचु जानवा दरकार जे ओ ब्लड ग्रुप हेल्ले यूनिवर्सल डोनर ओ एबे जेहेतु होल ब्लड कनसेप्टा अब्सोल्युट हो गलानी एबे कंपोनेंट कनसेप्ट 100% कंपोनेंट प्रिपरेशन मीन्स पीआरबीसी पैक रेड सेल तेणु ओ ब्लड ग्रुप पीआरबीसी पैक रेड सेल सब ब्लड ग्रुप पेसेंट को ट्रांसफ्यूज कर सेफली ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव कैन बी सेफली ट्रांसफ्यूज विथ ओ पॉजिटिव पीआरबीसी सेथिमें ए पॉजिटिव ब्लड नहीं पारे ओ पॉजिटिव पीआरबीसी भी नहीं पारे बी पॉजिटिव पीआरबीसी नहीं पारे ओ भी नहीं पारे एबी आम समस्त जानचे जे एबी हेल्ले यूनिवर्सल रेसिपिएंट एबी ब्लड ग्रुप लोक मैंने एबी नहीं पारे ए नहीं पारे बी नहीं पारे ओ भी नहीं पारे किंतु ओ ब्लड ग्रुप केवल ओ नहीं पारे कहीं जेहेतु बहुत एंटीबॉडीज रोचे से मैंने केवल ओ नहीं पारे एटा पैक रेड सेल केस रे किंतु प्लाज्मा किंबा प्लेटलेट केस रे जस्ट रिवर्सटा हुए जमीक ओ पॉजिटिव लोक मैंने किसी न था एंटीजेन किंबा एबी पॉजिटिव लोकंर किसी न था एंटीबॉडीज तेणु एबी पॉजिटिव प्लाज्मा सेटा होला न्यूट्रल प्लाज्मा ए बी पॉजिटिव प्लाज्मा सब पेशेंट को देहब जमीक ओ पॉजिटिव पीआरबीसी सब ग्रुप पेशेंट को देहब ए बी पॉजिटिव प्लाज्मा सब ग्रुप लोक देहब न्यूट्रल प्लाज्मा मैम आज हूँ
विश्व रेडक्रॉस दिवस यही अवसर में आपण आम दर्शक मानक कौन मेसेज देवे? रेडक्रॉसर इम्पोर्टेन्स टू शो द ह्यूमानिटेरियन वैल्यूज सेफ ट्रांसमिशन स्टार्ट्स फ्रॉम मी टू हेल्प नीडी पीपल एट द टाइम ऑफ नीड गिव्स एन यूनिक सैटिस्फैक्शन सो शो ह्यूमानिटी एंड हैप्पी वर्ल्ड रेडक्रॉस डे टू ऑल। थैंक यू मैम आपण बहुमूल्य समय दे आम दर्शक मान सहित एक गुरुत्वपूर्ण विषय उपर आलोचना कर। थैंक यू मैम। वेलकम। नमस्कार।